आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत सी महिलाओं का कमेंट्स आता है कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, दूसरा कमेंट्स आता है कि उनको पीरियड्स खुलकर नहीं आते या स्पॉटिंग है, टाइम पे नहीं आते। यानी एक तरह से महिला का स्वस्थ शरीर के लिए और वो भी प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए या नॉर्मल पीरियड्स आने के लिए क्या क्या नॉर्मल होना चाहिए शरीर में जिससे वो जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर पाए, तो हम 3D वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनका जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है जहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं, उसके बाद में जो ओवरी है यहाँ से अंडा और यहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं, और तीसरा जो है यूट्रस है, आप देख ही रहे हैं, ये सब नॉर्मल होने चाहिए जब जाके कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी अचीव होगी या महिला को पीरियड्स नॉर्मल आएंगे। तो अगर इन्हीं किसी हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से या तो अंडा मैच्योर नहीं होता, मैच्योर होके वो बाहर निकल ही नहीं पाता जिससे उनको पीरियड्स खुलकर नहीं आते, अब अंडे के साथ में कुछ हार्मोन बनते हैं, अगर वो नॉर्मल नहीं होंगे तब जाके कहीं भी प्रेगनेंसी नहीं होगी या फिर उनको मिसक्रेज होने की प्रॉब्लम होगी या फिर उनको पीरियड्स उनके टाइम पे नहीं आएंगे जिसको PCOD की प्रॉब्लम। ये सारी तीनों चीज़ें नॉर्मल कैसे होती हैं, इनका बैलेंस किस टाइप से होता है वो मैं डिस्कस करूंगा। अब हम बात करते हैं ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसके अंदर एक हाइपोथैलेमस पाया जाता है। ये हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा संदेश देने का काम करता है ये हाइपोथैलेमस और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर ही पाई जाती है जो एक चने के आकार के समान होती है, पर यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं एक महिला के लिए, यानी माँ बनने के लिए इन हार्मोन के बिना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हाइपोथैलेमस एक उद्दीपन का काम करता है, संकेत देता है हार्मोन बनाने के लिए। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आप देख ही रहे हैं, अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को उद्दीपन मिलता है तो ये हार्मोन रिलीज करती है, दो हार्मोन रिलीज करती है, FSH और LH। आप इसमें देख रहे हैं कि दो हार्मोन अलग अलग टाइम पे रिलीज होते हैं, ऐसा नहीं दोनों एक साथ ही होंगे। जो सबसे पहले हार्मोन रिलीज होता है वो FSH हार्मोन रिलीज होता है। ये जो FSH है, जो हार्मोन रिलीज होगा और ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में अंडाशय तक पहुंचेगा, तो आप देख रहे हैं ये FSH हार्मोन निकलना स्टार्ट हो गया। इधर से हमारा हाइपोथैलेमस उद्दीपन दे रहा है, इधर से FSH निकला। अब ये हार्मोन जो है हमारे ब्लड के माध्यम से, आप 3D डायग्राम में आराम से देख सकते हैं, ये हमारे हार्ट के माध्यम से पंप से प्रेशर के साथ में ये हमारे अंडाशय, जो महिला का अंडे तैयार होते हैं वहाँ जाके अंडाशय के अंदर यहाँ संकेत देते हैं। इस अंडाशय के अंदर बहुत सारे अंडे पहले से ही मौजूद होते हैं जिनको हम पुटिकाएं कहते हैं, पर वो मैच्योर नहीं होते। अगर डॉक्टर से कई बार जांच कराते हैं तो कहते हैं कि अंडे तो हैं आपके पर मैच्योर नहीं हो रहे, तो ये सारे बहुत सारे आप देख रहे हैं ये अंडे ही हैं, आप ये अंडे ही हैं, पर इनमें से कोई एक अंडा बाहर निकलेगा वो मैच्योर होगा। जो मैच्योर होने के लिए हर महीने 15 से 20 अंडे तैयार होने की कोशिश करते हैं, उनमें से कोई एक अंडा तैयार होता है। जब ये एक अंडा तैयार होता है, इधर देखेंगे ब्रेन से हाइपोथैलेमस से उद्दीपन मिल रहा है, इधर से FSH रिलीज हो रहा है, जब FSH रिलीज होगा तब जाके इनमें से ये एक अंडा तैयार होगा। अब ये FSH क्या करवा रहा है, अंडे की ग्रोथ करा रहा है, जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि 20 से 25 mm का अंडा होना बहुत ज़रूरी है, मैच्योर अंडा ज़रूरी है प्रेग्नेंट होने के लिए। अगर वो अंडा बाहर निकलेगा तब जाके कहीं हमें स्पर्म मिलेंगे तो प्रेगनेंसी होगी। अब ये FSH हार्मोन के बाद में दूसरा एक हार्मोन और रिलीज होता है, आप देख रहे हैं, वो होगा LH हार्मोन, जब अंडे की फुल साइज ग्रोथ होने के बाद में एक LH हार्मोन रिलीज करवाएगा। ये LH हार्मोन, इसकी भी यही सेम प्रोसेस है, ये भी अंडाशय पे अंडे पे जाके काम करेगा। ये अंडा, इसको LH इस टाइप का हार्मोन होता है जो अंडे पे जाके काम करेगा, ये अंडे को बाहर निकालने का काम करता है। किस तरह से काम करता है हम वो भी आपको डिटेल से दिखाएंगे। देखो यहाँ अंडा है, यहाँ पर क्या निकला, इधर से LH हार्मोन। पहले देखो शुरू के 0, 4 दिन, 8 दिन, 12वें दिन के, 13वें दिन के आसपास एकदम से बहुत तेज़ी से ये LH हार्मोन बढ़ जाता है। LH हार्मोन बहुत ज़्यादा होगा तो ये कहीं जाके बाहर निकालेगा, अंडे को बाहर निकालेगा, यानी मैच्योर अंडा होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद में इस अंडे को बाहर निकालने के लिए ये प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर अब ये अंडा बाहर निकलेगा तो जो हमारी ट्यूब है, ट्यूब पे ऐसे से एक सीलिया टाइप की फिमरी पाई जाती हैं, ये फिमरी होती है जो अंडे को पकड़ने का काम करती है, यानी महिला की ट्यूब भी नॉर्मल होना चाहिए जिसमें मूवमेंट हो। अगर आप इस अंडे को कैप्चर करेंगी, पकड़ेंगी, तब जाके ये अंडा ट्यूब के अंदर जाएगा। ट्यूब के अंदर एक एम्पुला पार्ट होता है, उसमें अगर वहाँ तक स्पर्म पहुँचता है पुरुष का तब जाके इसको अंडे को भेदेगा और तब जाके इसमें प्रेगनेंसी होगी।
तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि अंडा जा चुका है, पर अंडा के चारों तरफ का एक कवर है, ये कवर अभी भी अंडाशय के पास ही है, पर ये कवर है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कार्पस ल्यूटियम इसको बोलते हैं, और ये एक हार्मोन बनाता है जो बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जो मैंने बोला था प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट ली जाती है, वो अंडा बाहर निकलने के बाद में ली जाती है, क्यों? अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जाएगा, ये कहाँ काम करेगा? बच्चेदाने के ऊपर। देखो ब्रेन से प्रोसेस स्टार्ट होती है, जाके रुकती है बच्चेदाने के ऊपर। अब यहाँ बच्चेदाने की दीवार बनाएगा कौन? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, साथ में ही एक एस्ट्रोजन हार्मोन जो नॉर्मली प्रेजेंट पाया जाता है, जो नॉर्मल अपनी प्रोसेस में लगा रहता है, पर एकदम से इस ये दीवार है। आप मान के चलो यहाँ थी, जब सारी दीवार टूट रही थी तब इतनी सी दीवार बची थी। धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं महिला के ऊपर की तरफ, यानी उनकी पीरियड्स ब्लीडिंग खत्म होने के बाद में, तब ये फोलिकुलर फेज यानी जो अंडा तैयार होता है, धीरे धीरे इधर भी बच्चेदानी के अंदर दीवार तैयार होती है। ये कौन कराता है? एस्ट्रोजन हार्मोन, ये हमारा अंडाशय से उत्पन्न होता है। अब अंडाशय के साथ में जैसे अंडा रिलीज होने के बाद में, जब तक अंडा रिलीज नहीं होगा तब तक क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा। तो ये ओवुलेशन डे जो LH हार्मोन एक दिन, जैसे हमारे 28 दिन की साइकिल लेते हैं तो 14 दिन क्या होता है? ओवुलेशन करवाता है। ये ओवुलेशन होगा अंडा बाहर निकलने के बाद में, अब एक हार्मोन और बनना स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, है ना। जिनके प्रोजेस्टेरोन मिला नहीं तो यहाँ फर्टिलाइज अंडा नहीं होगा, तो फिर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम बनाना बंद कर देगा और ये दीवार वापस टूट जाएगी, फिर हर महीने ऐसे साइकिल चलती रहेगी। यदि आपको इस अंडे के पास में स्पर्म भेजता है और उसको फर्टिलाइज करता है और फिर इम्प्लांटेशन होता है, तब हम देखेंगे कि ये दीवार नहीं टूटती, महिला का मासिक धर्म यानी पीरियड साइकिल बंद हो जाती है। तो आप इसको देखेंगे कि अगर प्रेगनेंसी होगी तो इम्प्लांटेशन होगा, और इम्प्लांटेशन होगा तो ये कहीं जाके एक बच्चा भ्रूण का तैयार होगा, पर ये 3 महीने तक लगातार ये क्या करता रहता है? जो कार्पस ल्यूटियम था, जो महिला का मैंने बोला था कि जो अंडा निकलने के बाद कवर होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता रहता है। ये प्रोजेस्टेरोन हमारी बच्चेदानी की दीवार को अच्छे से हेल्थी रखता है, बनाए रखता है, जिससे क्या बच्चा आराम से ग्रोथ कर पाए। कई बार इस हार्मोन की कमी होती है या डॉक्टर को लगता है कि इनके बार बार मिसक्रेज होते हैं, ये प्रॉब्लम रहती हैं, और भी कई कारण होती हैं, इस वजह से कई बार वो हर वीकली कुछ टैबलेट खाने के लिए देती हैं प्रोजेस्टेरोन की, कुछ इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये प्रोसेस है कि महिला को स्वस्थ रहने के लिए यानी ये हार्मोन का बैलेंस होना जरूरी है। आप समझ सकते हैं कि महिला को यानी प्रेगनेंसी अचीव करना हो या नॉर्मल पीरियड्स के लिए, महिला का ब्रेन से लेके जो हार्मोन रिलीज होते हैं, फिर अंडाशय से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, और बच्चेदानी, ये तीनों प्रोसेस अगर नॉर्मल हैं तो अचीव होती हैं। अब इनमें से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हमें टेंशन हो रही है, ब्रेन में हमारा हाइपोथैलेमस गड़बड़ा रखा है, वहाँ से हार्मोन का उद्दीपन सही समय पे नहीं मिलता या सही तरह से नहीं मिलता, तो महिला को प्रेगनेंसी नहीं होती। तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस कम करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, न्यूट्रिशन अच्छे से लो, तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। हर चीज़ का इलाज दवाइयों से नहीं है, अपने आप को प्रिपेयर करो और टाइम टू टाइम जो मैंने टिप्स बताई है, 3 डे पे रिलेशनशिप बनाओ, या ओवुलेशन डे का क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, बहुत से वीडियो मैंने बनाए हैं, वो आप जरूर देख लें। ओवुलेशन डे का मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं जो आप जरूर देख लें, जिनसे आपको आसानी हो कि आपको कब प्रेगनेंसी हो सकती है। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।